हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भाईचारा। भारत था सोने की चिड़िया, अब नर्क बना दिया सारा। लिखना तो पड़ेगा, जो हमारी नज़रों के सामने हादसा हो रहा है वो लिखना तो पड़ेगा। किसी का बच्चा स्कूल जाए वो शाम तक नहीं लौटता है, क्या मातम होता है उस गाँव में, उस इलाके में। हम लोग कहाँ जाएंगे, अब तो पाकिस्तान भी नहीं जा सकते। मुस्लिम समाज पे कब से आरोप लगने लगे, जब से हमारी ये बीजेपी सरकार है। पहला दुख डिंगरहेड़ी और दूजा पहलू मार दिया। जुनेद खान चलती गाड़ी में कुछ गुंडों ने मार दिया। जुनेद खान चलती गाड़ी में कुछ गुंडों ने मार दिया। रुकिए, इस गाने पे हम थोड़ी देर में लौटेंगे। गांव घासेड़ा का नाम आपने सुना है? नहीं? अरे चलिए एकदम बिगनिंग से शुरू करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा का एक गांव घासेड़ा। दिखने में बिल्कुल और दूसरे गांव जैसा, लेकिन है बहुत खास, एकदम स्पेशल। थोड़ा रिवाइंड करते हैं, थोड़ा मतलब 70 साल पहले, साल 1947, महीना दिसंबर का। धर्म के नाम पे देश बटा था, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान। मेवात के मुसलमान पाकिस्तान जाने को तैयार, एक रिफ्यूजी कैंप में डेरा जमाया है। टोली के मुखिया चौधरी यासीन खान ने चुपके से गांधी जी को संदेश भेजा। गांधी जी यहाँ आए और उन्होंने मुसलमानों से कहा, आप हिंदुस्तान की रीढ़ हैं। रीढ़ समझते हैं ना, बैकबोन। इसके बाद घासेड़ा का किस्सा इतिहास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बना, और मिरासियों का ये गाना भी। बापूजी घासेड़ा आयो, बापूजी घासेड़े आयो, बापूजी के कहने से जब हम हिंदुस्तान में ठहर गए, मरहूम चाचा जी असगर हुसैन साहब थे, उन्होंने उनको ऊपर एक गीत लिखा था, बापू गांधी पे भारत को है मेव मतवाड़ो। मतवाड़े का मतलब है हम महात्मा गांधी के ऊपर मस्त हैं, उसके ऊपर फिदा हैं। अरे हिंदू मुस्लिम यानी सब समझायो, हिंदू मुस्लिम यानी सब समझायो। पहली लाइन में लिखा है बापूजी घासेड़ा आयो, हिंदू मुस्लिम सब समझायो। उन्होंने हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी सबसे प्यार से समझाया कि हम आपस में भाई भाई हैं, मिल के रहना है और हमको हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाना है। हिंदू मुस्लिम यानी सब समझायो। अरे उन अंग्रेजन ने फूट गिर दी, अरे उन अंग्रेजन ने फूट गिर दी, आज उनके मुंह लगा दियो ताड़ो। रे बापू गांधी के भारत को। अंग्रेज जो आए थे हमारे, जिन्होंने का कब्जा था हमारे देश के ऊपर, उन्होंने हमारे अंदर फूट डाल दी, आपस में एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा कर दी। लेकिन हम फिर भी सब भाई एक साथ इकट्ठे रहकर यहाँ से उनको भगा दिया। आज उनके मुंह लगा दियो ताड़ो। ताड़ो मेवाती भी का शब्द, ताड़ो ताला लगा दिया। बापू गांधी पे भारत को है मेव मतवाड़ो। मेवात में मुस्लिम आबादी 70% है और हिंदू आबादी 20%। ज़्यादातर लोगों के पुरखे राजपूत रहे हैं और 4 सदी पहले इन लोगों ने इस्लाम अपनाया था, लेकिन पुराने रीति रिवाज अभी भी नहीं छूटे हैं। मजहब जुदा जुदा है, लहू सबका एक है। मजहब जुदा जुदा है, लहू सबका एक है, और हिंदू हो या मुसलमान खुदा सबका एक है। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा भाईचारा भी हो कौम का और हिंदू समाज का, और जिसको हम गाते हैं उसको हिंदू धर्म भी समझता है और मोहम्मदन भी समझता है। कोई दिक्कत नहीं होती हमारे यहाँ। घासेड़ा के मुस्लिम तो उस दिन रुक गए, लेकिन बापू की हत्या के साथ मानो उनका सपना चूर चूर हो गया। वो सपना जिसमें मजहबी नफरत के लिए कोई जगह नहीं थी। इस इलाके में पिछले एक साल में काफ़ी बवाल हुआ है। मेवाती बिरयानी में बीफ का शक, डिंगरहेड़ी में दो लड़कियों का गैंग रेप, बेचारे पहलू खान का क्या कसूर था, एक भीड़ ने जान ले ली, वो भीड़ जो खुद को गौ रक्षक है। पहला दुख डिंगरहेड़ी और दूजा पहलू मार दिया। इस गाने को तो आप सुन ही चुके हैं। ये लियाकत ने पिछले साल हुए हादसों पे लिखा था। पहला दुख डिंगरहेड़ी, दूजा पहलू मार दिया। गौ रक्षा के नाम के ऊपर हमारे राजस्थान में हमारे नज़दीकी गांव है जयसिंहपुर, वहाँ से एक पहलू भाई थे और जो गाय ला रहे थे दूध पीने के लिए रमजान के महीने में, लेकिन कुछ गुंडों ने मार दिया। अब लिखना तो पड़ेगा, जो हमारी नजरों के सामने हादसा हो रहा है वो लिखना तो पड़ेगा। कैसे कैसे जुल्म हो रहे, बिगड़ा भाईचारा, भारत था सोने की चिड़िया, नरक बढ़ा दिया सारा। एक गीत लिखा है मैंने अभी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भाईचारा, और भारत था सोने की चिड़िया अब नरक बना दिया सारा। अब पहले सब लोग प्यार से रहते थे, अब एक दूसरे से नफरत करते हैं। गौ रक्षा के नाम पे देखो भारत को बदनाम किया। गौ रक्षा के नाम पे देखो भारत को बदनाम किया। गरीबों के पास, मजदूरी के पास, सबके पास गाय है। सभी आदमी गाय कसी नहीं करते, करता है कोई गुजर कर देता है, कोई जाट करता है, कोई हरिजन चमार करता है। लेकिन मुस्लिम समाज पे कब से आरोप लगने लगे? जब से हमारी ये बीजेपी सरकार आई है। और घर से कॉलेज चलाता भाई आज तलक नहीं आया, और माँ की अखियां तरस गई नजीब लाल नहीं आया। ओ, माँ की अखियां तरस गई नजीब लाल नहीं आया। क्या आपको तरस नहीं आता मैम इस बात पे? किसी का बच्चा स्कूल जाए, वो शाम तक नहीं लौटता है, वो उसके मर्डर की मौत आज खबर सुने तो उसका क्या संदेश जाता है, क्या मातम होता है उस गांव में, उस इलाके में। हमारे बच्चे हमसे, पापा ये ऐसा हुआ, वहाँ हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, कभी पहले तो नहीं हुआ था। महसूस करते हैं, अपने इलाके में खुले रहते हैं, बाकी आगे जा महसूस करते हैं कि यार एक तासुब बना हुआ है इस सरकार में। सब गुलाम हो गए थे अंग्रेजों के, लेकिन मेवात गुलाम नहीं हुई थी। मेवात इसी बात पे थी कि हम महात्मा गांधी के साथ, देश हमारा, हम देश के साथ रहेंगे, ये धरती हमारी है, हमें यहीं मरना, यहीं रहना सना। क्या नहीं किया इस मेवात ने देश के लिए? मेवात ने तो बहुत कुछ किया इस देश के लिए। भारत था सोने की चिड़िया, नरक बढ़ा दिया सारा। भारत था सोने की चिड़िया, भार बढ़ा दिया सारा। मुस्लिम से पहला जो भारत था वो तो सोने की चिड़िया था, और अब जो भारत बनने जा रहा है, अब तो भैया यार कुछ भी कह लो, अब तो है ही नहीं। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब तो पाकिस्तान में नहीं जा सकते। अब तो एक दुआ है अल्लाह ताला से, चार दो लाइनों के साथ बता रहा हूँ, हर मुश्किल आसान बना दे मौला, जो जुल्म हो रहे हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, उनको सबको ख़त्म कर दे। हर मुश्किल आसान बना दे मौला, और जीने का सामान बना दे मौला, और हिंदू मुस्लिम सब खाएं एक थाली में, एक ऐसा हिंदुस्तान बना दे मौला। तो ये कहानी थी एक समुदाय और उनके दो गीतों की। दो गीत जो भारत के दो रूपों का बयां करते हैं। जो मिरासी गांधी का इतिहास गाते थे, वो आज पहलू और अखलाक की मौत का चिट्ठा गाते हैं। मेवात का ये आज, कल का इतिहास बनेगा। If you love The Quint and want to keep seeing more of us on Facebook, click on follow, then see first and you'll never miss us on your timeline.